हेलो एवरीवन, आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 35 डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 तक डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। बोलता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, और गिवेन है वाई इज इक्वल टू वन, कब वेन एक्स इज इक्वल टू वन। मतलब ये मेरा क्या दिया हुआ है, मतलब एक कंडीशन दिया गया है, उस कंडीशन के आधार पर हम किसका वैल्यू निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालने के बाद कॉन्स्टेंट का वैल्यू निकालेंगे और उस कॉन्स्टेंट का वैल्यू निकाल कर उस सॉल्यूशन जो आंसर आएगा उसमें पुट कर देंगे तो मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। यदि इस टर्म को हम लोग राइट साइड से ले जाए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स, देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने से पहले चेक करते हैं ये मेरा फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या दिया हुआ है, वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। हम लोग क्या पुट करते हैं, एक्स के यहाँ पर के एक्स एंड वाई यहाँ पर के वाई, के वाई के एक्स प्लस के वाई डिवाइडेड बाय हो जाएगा के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, के कॉमन है तो जाएगा के स्क्वायर इंटू वाई, तो यहाँ पर जाएगा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। के स्क्वायर में कॉमन क्या बच जाएगा, वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब ये मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई। देयरफॉर मेरा क्या हो गया, एफ ऑफ के एक्स के वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। जब ये कंडीशन आ गया इसका मतलब क्या है कि ये दिया गया जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हम लोग का वो मेरा कैसा, जो दिया गया जो फंक्शन है वो मेरा कैसा फंक्शन है, तो होमोजीनियस फंक्शन है। और जो होमोजीनियस फंक्शन से जो रिलेटेड जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसको चेक करने का तरीका दो तरीका और बताए हैं, उसमें किसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं आप इंडिपेंडेंट। अब ध्यान दीजिए, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हो जाएगा दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पुट करेंगे बच्चों, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, इसको डिफरेंशिएट किस रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। अब ए मेरा है, इसका वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर वन। तो हो जाएगा ना इक्वेशन वन बिकम्स, तो मेरा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू देखिए डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई का वैल्यू होगा वी एक्स, तो वी एक्स हो जाएगा एक्स प्लस वी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, कॉमन यदि ले लेंगे क्या बचेगा, वी एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा वन प्लस वी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब यदि यहाँ से देखा जाए एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसल, तो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या बच गया, वी इंटू वन प्लस वी, हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, वी प्लस वी स्क्वायर। यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस वी को हम लोग काट भी सकते हैं, यदि इसको हम कट यदि कर दें क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या माइनस छूट चुका था, यहाँ भी क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ टोटल पे माइनस,
ये हो जाएगा क्या चीज, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी माइनस वी स्क्वायर। इस v को यदि राइट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर माइनस वी, वी को माइनस वी हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर माइनस टू वी। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस टू वी कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस टू वी। अब देखिए अब इसको क्या करना है, इसे वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे तो वेरिएबल सेपरेट कर देंगे हम लोग का क्या मिल जाएगा, उसके बाद उनको इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए हम उसका वेरिएबल जो सेपरेट करेंगे तब क्या हो जाएगा, वी वाला सारा टर्म डी वी की तरफ, तो हो जाएगा डी वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर प्लस टू वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाय एक्स। अब देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गया है, क्या कर देंगे इंटीग्रेट, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हो जाएगा डी वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर प्लस टू वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स। अब इसको जो है इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वन इसमें ऐड कर देते हैं और वन इसमें क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स, और मान लेते हैं ये मेरा क्या है लॉग कॉन्स्टेंट इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट लॉग सी। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हो जाएगा वी प्लस वन का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा वी प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब आज कीजिए कुछ फॉर्मूला था वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, था वन बाय टू ए लॉग एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए, आप लोग का स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, आप लोग प्रूव भी किए होंगे इंटीग्रेशन में। तो इसका जो है डायरेक्ट साइजिंग फॉर्मूला लिखेंगे क्या हो जाएगा वन बाय टू एक यहाँ पर मेरा कितना है वन, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स यहाँ पर टोटल कितना है वी प्लस वन, फिर एक यहाँ पर वन हो जाएगा वी प्लस वन फिर प्लस वन इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब जो है इस टू को इधर हम यदि मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा लॉग वन वन विल कैंसल, हो जाएगा वी डिवाइडेड बाय वी प्लस टू इज इक्वल टू टू यदि मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस टू लॉग एक्स प्लस टू लॉग सी, इतना हो गया। अब देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, इस टर्म को हम लोग यदि राइट साइड लेफ्ट साइड भी ले आए क्या हो जाएगा लॉग ऑफ वी डिवाइडेड बाय वी प्लस टू लॉग एक्स इज इक्वल टू टू लॉग सी है, तो टू भी कांस्टेंट लॉग सी भी कांस्टेंट, दो कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का प्रोडक्ट भी क्या होता है कांस्टेंट, मान लेते हैं एक कोई नया कांस्टेंट की, ये हो जाएगा लॉग वी डिवाइडेड बाय वी प्लस टू, ये पावर ऊपर चला जाएगा हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग के, इसको m समझें इसको n, तो लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है लॉग m इंटू n, ये हो जाएगा लॉग वी डिवाइडेड बाय वी प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग के। देखिए दोनों तरफ लॉग है क्या हो जाएगा हट जाएगा, क्या बच जाएगा वी डिवाइडेड बाय वी प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब मेरा जो है सोल्यूशन आया है, लेकिन अभी ये मेरा किसमें वी के टर्म में है, क्वेश्चन मेरा एक्स वाई में है, तो वी का वैल्यू पुट करेंगे, और पुट किए थे उधर क्या पुट किए थे वाई इज इक्वल टू वी एक्स, तो देयरफॉर यहाँ से वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई बाय एक्स, पुट कीजिए इसको तो हो जाएगा वाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय वाई बाय एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के। यहाँ पर यदि एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा वाई डिवाइडेड बाय एक्स, तो हो जाएगा वाई प्लस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के। देखिए ई एक्स से एक्स कैंसल, सॉल्व मेरा क्या हो जाएगा यदि, तो क्या हो जाएगा वाई डिवाइडेड बाय वाई प्लस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, इसको इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर
वाई इज इक्वल टू के इंटू वाई प्लस टू एक्स। ये मेरा क्या आ गया है, इस का जो है जो सॉल्यूशन आ गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू। क्यों भाई, अब क्या दिया है देखिए, मेरा गिवन है y इज इक्वल टू वन है, तब जब x का वैल्यू वन है, तो x और y का वैल्यू यदि इसमें हम पुट करें तो उससे किसका वैल्यू निकल जाएगा, k का वैल्यू निकल जाएगा, और उस k का वैल्यू इक्वेशन नंबर टू में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देखिए दिया हुआ है, गिवन है, क्या है गिवन दैट, क्या है y इज इक्वल टू वन वेन x इज इक्वल टू वन। इसी को दूसरे फॉर्म में ऐसा भी लिखा जा सकता है, y वन इज इक्वल टू वन, मतलब ये मेरा जो a वन जो है x का वैल्यू, ये किसका है y का वैल्यू। अब देखिए फ्रॉम टू, टू में कितना है x का वैल्यू, हम पुट करेंगे वन, तो हो जाएगा वन का स्क्वायर, y का वैल्यू कितना है वन इज इक्वल टू के इंटू, क्या है y का वैल्यू वन प्लस टू इंटू वन, तो वन का स्क्वायर वन इंटू वन वन के, ये कितना होगा वन प्लस टू, ये कितना हो जाएगा थ्री। देयर फोर यहाँ से के का वैल्यू कितना निकल जाएगा, वन बाई थ्री। इसका वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर टू, ये हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन टू, तो क्या हो जाएगा अब इक्वेशन टू, देयर फोर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन बाय थ्री इंटू वाई प्लस टू एक्स। इसको या थ्री मल्टीप्लाई यदि कर दें, क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई प्लस टू एक्स। ये मेरा क्या हो गया, इस दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे क्या कंडीशन भी दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। इसमें भी वही कंडीशन, y इज इक्वल टू वन है वेन x इज इक्वल टू वन। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू, इसको भी मान ले जाए तो हो जाएगा x माइनस वाई डी एक्स। इसको एक बार और लिख सकते हैं x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस, यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस में हो जाएगा x माइनस में, ये हो जाएगा डी एक्स। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, हो जाएगा इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं कि जो फंक्शन मेरा होमोजीनियस है या नहीं, कितना वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। क्या पुट करते हैं, एक्स के जगह पर के एक्स एंड वाई के जगह पर के वाई, के वाई माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय के एक्स प्लस के वाई। देखिए ऊपर में क्या है के कॉमन, हो जाएगा वाई माइनस एक्स, नीचे भी के कॉमन, हो जाएगा एक्स प्लस वाई, के बिल्कुल कैंसल, वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। देखिए यही क्वेश्चन आ गया है, तो ये मेरा क्या है एफ ऑफ एक्स वाई। देयरफॉर क्या हो गया, एफ ऑफ के एक्स के वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये मेरा क्या है, कोई भी फंक्शन के लिए होमोजीनियस होने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन, जो इसको क्या सेटिस्फाई किया, इसका मतलब ये फंक्शन मेरा होमोजीनियस फंक्शन है, मतलब उससे रिलेटेड जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब उसको आप चेक कर सकते हैं, मतलब इसको एक और बताए थे इसमें x रेज टू दी पावर एन जी ऑफ y बाय x के रूप में कीजिए, आप तो फिर y रेज टू दी पावर एन x ऑफ x बाय y के फॉर्म में कीजिए। यदि कन्वर्ट करना है इसमें कीजिएगा, दोनों में क्या करते हैं x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा y डिवाइडेड बाय x बाय वन सॉरी माइनस वन, अभी नीचे भी x कॉमन ले लेंगे वन प्लस y बाय x, x x विल कैंसिल। और देखिए वो जो बच गया, ये क्या बच गया है y by x माइनस वन वन प्लस y by x। देखिए क्या ये फंक्शन y by x के फॉर्म में है, आप तो इसको यहाँ पे है जो नहीं समझ आ रहा है, इसको लिख सकते हैं y by x का पावर जीरो, इसको भी लिख सकते हैं y by x का पावर जीरो। तो ये मेरा कैसा फंक्शन होगा, g ऑफ y by x, अब यहाँ पे x का पावर जीरो भी लिख सकते हैं। देखिए ये मेरा कुछ इस फॉर्म में आ गया।
मतलब उसके अनुसार भी मेरा क्या फंक्शन है, होमोजीनियस है। उसी तरह इसमें आप क्या ले सकते हैं, वाई कॉमन लीजिएगा, इस फॉर्म में चला जाएगा। मतलब ये फंक्शन मेरा कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है, और इससे रिलेटेड जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब ध्यान दिया जाए तो हो जाएगा दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, इसको यदि डिफरेंशिएट यदि कर दें किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्या मिल जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। आप इसका वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर वन में, ये हो जाएगा नाउ इक्वेशन वन बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा है वी एक्स लिए हैं माइनस एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक्स प्लस वाई हो जाएगा एक्स प्लस वी एक्स हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स यदि कॉमन ले लें तो हो जाएगा वी माइनस वन, नीचे भी एक्स कॉमन ले लें तो हो जाएगा वन प्लस वी, एक्स एक्स विल कैंसल। अब मेरा क्या बच गया, वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वी। इसको हम लोग यदि राइट साइड ले जाएं तो हो जाएगा एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वी माइनस वी, तो हो जाएगा एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे बच्चों तो हो जाएगा वन प्लस वी, तो वी माइनस वन माइनस वी इंटू वन प्लस वी, ये हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वी माइनस माइनस सॉरी माइनस इंटू प्लस माइनस वी इंटू वी वी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय वन प्लस वी। देखिए वी वी विल कैंसल, अब क्या बच गया, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस वी। हम लोग क्या है जो राइट साइड में जो माइनस है वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं, अब क्या बच जाएगा एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे तो जाएगा वन प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस वी, ये वन प्लस है। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो जाएगा वन प्लस वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर प्लस वन डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाय एक्स, वेरिएबल सेपरेट हो गया है। क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो हो जाएगा वन प्लस वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर प्लस वन डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाय एक्स। अब यदि इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, यदि अलग अलग कर दे बच्चों तो कितना होगा, वन डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर प्लस वन प्लस वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर प्लस वन और ओवर ऑल डी वी, ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस लॉग एक्स, कॉन्स्टेंट को मान लेते हैं सी। अब यदि इसको फिर से यदि अलग अलग करना चाहें, चलिए अलग अलग कर ही देते हैं, तो हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस वन डी वी प्लस हो जाएगा वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर प्लस वन डी वी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब बताइए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपको याद होता होगा तो ये था वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए का, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स v बाय वन मतलब tan इनवर्स v। अब इस इंटीग्रल को देखिए, यदि यहाँ पे हम लोग t यदि चेंज को z माने तो डिफरेंशिएट करेंगे टू भी होगा, यहाँ पे टू नहीं है टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ऐसा इंटीग्रेशन इसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत बार आया है, अगर आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े होंगे ऐसा टर्म बहुत बार आया होगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा tan इनवर्स वी बाय वन प्लस वन बाय टू, ये कितना हो जाएगा log ऑफ
वी स्क्वायर प्लस वन, इसको यदि हम राइट साइड ले आए तो हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू सी। अब यहाँ से हम टू इधर क्या कर सकते हैं, यदि एलसीएम ले लें, ध्यान दीजिएगा इस टू को हम यदि एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, बनेगा बच्चा तो हो जाएगा टू टैन इनवर्स वी प्लस लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस वन, अगर यहाँ भी टू मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा टू लॉग एक्स ये डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू सी, इतना होगा। अब यदि इसको गौर से देखा जाए तो सिर्फ क्या करेंगे, टू उधर यदि क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर दें, टू जो है उधर यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। देखिए उधर टू यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ए टू होगा टू सी होगा उधर, तो क्या बच जाएगा टू टाइम इनवर्स बी प्लस लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू लॉग एक्स प्लस टू सी, क्या हो जाएगा टू टाइम इनवर्स बी प्लस लॉग वी स्क्वायर प्लस वन, टू यहाँ इसका पावर में जा सकता है तो हो जाएगा प्लस लॉग एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे टू भी कांस्टेंट है सी भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का प्रोडक्ट भी क्या होता है कांस्टेंट, वो मान लेते हैं कांस्टेंट मेरा क्या है के। अब इसको लिख सकते हैं टू टैन इनवर्स बी, देखिए लॉग लॉग है लॉग, इसको मान इसको यदि एम समझा जाए इसको एन, तो लॉग एन प्लस लॉग एन क्या होता है लॉग एम इंटू एन, तो क्या हो जाएगा लॉग वी स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू के। अब ये हो जाएगा टू, अब देखिए ये मेरा सोल्यूशन है लेकिन ये मेरा वी के टर्म में है, वी का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें क्या चीज वाई बाय एक्स, क्योंकि वाई इज इक्वल टू वी एक्स पुट किए थे तो वी इज इक्वल टू क्या होगा वाई बाय एक्स, तो हो जाएगा टू टैन इनवर्स वाई बाय एक्स प्लस हो जाएगा लॉग क्या हो जाएगा वी का वैल्यू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू की, ये हो जाएगा टू टैन इनवर्स वाई बाय एक्स प्लस लॉग यदि यहाँ पे ले लें हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू की, एक्स स्क्वायर की कैंसिल क्या बच गया टू टैन इनवर्स वाई बाय एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर टू। सो क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू, अब मेरा सॉल्यूशन तो आ गया है लेकिन मेरा यदि एक नहीं दिया रहता एक कंडीशन नहीं दिया रहता तो ये मेरा क्या होता कंप्लीट सॉल्यूशन रहता, लेकिन ये मेरा कंडीशन दिया हुआ है मतलब उसका उस कंडीशन का हम लोग यूज यदि करें तो हमको दिया हुआ है एक्स वाई का वैल्यू, तो एक्स वाई का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर टू में, तो उससे किसका वैल्यू निकलेगा तो के का वैल्यू निकल जाएगा, इससे के का वैल्यू निकल जाएगा ऑल्सो गिवन दैट क्या दिया वाई इज इक्वल टू वन व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन फ्रॉम टू, फ्रॉम टू देखिए टू में क्या है तो ये मेरा हो जाएगा टू टेन इनवर्स वन बाय वन वाई बाय एक्स वाई वन बाय वन प्लस लॉग वन का स्क्वायर वन प्लस वाई का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर वन प्लस वन का स्क्वायर वन, तो हो जाएगा के ये क्या बच गया टू टेन इनवर्स वन प्लस लॉग टू इज इक्वल टू के, क्या इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स इसको वन के यहाँ पर टेन बाई वन कितना डिग्री का वैल्यू 45 डिग्री का वैल्यू, इसको लिख सकते हैं हम लोग टेन फाइव बाई फोर प्लस ये हो जाएगा लॉग टू इक्वल टू के। अब आप लोग रिवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक फार्मूला पढ़े होंगे टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पे टेन इनवर्स टेन फाइव बाई फोर इक्वल टू क्या होगा फाइव ओनली फाइव बाई फोर, हो जाएगा टू इंटू हो जाएगा फाइव बाई फोर प्लस लॉग टू इज इक्वल टू के, सेम सब लोग पढ़े हुए हैं
tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, देखिए कटेगा क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस लॉग 2 इज इक्वल टू के, मतलब यहां से देयरफॉर लिख सकते हैं k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस लॉग 2। अब ये k का वैल्यू निकल गया है बच्चों, इसका वैल्यू कहां पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, और उसमें पुट करने के बाद जो भी मेरा होगा बचेगा आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन टू, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन टू बिकम्स क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स y by x प्लस log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू k का वैल्यू पाई बाय 2 प्लस log 2, ये हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस log 2, ये मेरा क्या हो गया इस दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या चुका है कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया है, जो कि हम लोग को क्या करना था इसका हमको आंसर फाइंड करना था जो हम लोग को आ चुका है। तो आज हम लोगों ने देखा कुछ क्वेश्चन देखा जो क्या था होमोजेनियस फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ था और उससे रिलेटेड क्या उसको हम सॉल्व किए। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और उसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।